व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हम सभी लोगों में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। कुछ लोग इन कमियों को जिंदगी की रुकावट समझ लेते हैं तो कुछ प्रेरणा स्रोत। यह धारावाहिक उन लोगों के जीवन से प्रेरित है जो सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उन्हें चाहिए एक थपकी प्यार। दादा, तुम यहाँ पर हो? तब तो बड़ी सासू माँ भी आई होगी ना तुम्हारे साथ। थपकी ने बोला होगा ना बड़ी सासू माँ को लाने के लिए? कहाँ है बड़ी सासू माँ? कैसी बात कर रही हो सुमन भाभी? माया कैसे आएंगी? सुबह सुना नहीं था आपने कि हम लोग माँ के बिना भी खुशियां मना सकते हैं? और किसी एक के ना होने से जिंदगी नहीं रुकती, क्यों दादी माँ? श्रद्धा कैसी हो तुम? और माँ? मतलब बच्चा कैसा है? I mean, how's the baby? हाँ, सब ठीक है। थपकी कहाँ गई? दादी माँ अभी तो यही थी, हम देख कर आते। और हाँ श्रद्धा भाभी जी, अब आप जरा परिवार वालों के साथ ही रहें। क्या है ना, इस हालत में वो भी चिड़ियाघर में यूं अकेले ठीक नहीं होगा, समझी ना? चलो ना दादी माँ, वहां चलते। यू ओके? खबर बेटा तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कैसे आई और कौन आया तुम्हारे साथ? माँ पहान है ना, वो हम सारे लोग जू देखने आ गए और एक तरह से अच्छा हुआ ना आपसे भी मुलाकात हो गई। माँ बाप से मिल लिए, अब बिल्कुल ठीक है। सुनो बाकी सब भी आए हैं क्या यहाँ पर? नहीं माँ, अभी तो बस हम दोनों ही हैं और आप। माँ वो देखिए मोर, आपको मोर बहुत पसंद है ना? माँ कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। अब तो माँ भी आ गई हैं, अब बताओ ना आगे का प्लान क्या है? माँ और पाउजी तो मिलाना है। पर कैसे? तब कि हम सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा उनकी पहली मुलाकात में हुआ, फिर देखना माँ के लिए बाबूजी का प्यार कैसे बाहर निकलता है। पर वो सब करेंगे कैसे हम? सॉफ्टी, माँ और बाबूजी को सॉफ्टी खिलाएंगे। सॉफ्टी? सॉफ्टी देना हमको भी। अरे बाबूजी, बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? आपको तो ठंडी चीजें खाना मना है ना? अरे वो घर के अंदर खाना मना है, घर के बाहर थोड़ी। अरे लेकिन बाबूजी, अरे एक सॉफ्टी में आइसक्रीम होती कितनी है? जरा सी तो होती है, जुबान पे अटक के रह जाएगी, अंदर जाएगी नहीं तो खराबी कहां से करेगी। एक खाने दे भाई। नहीं बाबूजी, एक ही तो नहीं खानी, लाओ हमें दो। सॉफ्टी तो आप खाओगे लेकिन अकेले नहीं, माँ के साथ। माँ ये लीजिए। मेरा तो बिल्कुल खाने का दिल नहीं है बेटा, तुम ये दो दो आइसक्रीम किसने लाई हो? पकड़िए तो ये वाला। अरे पर दोनों आइसक्रीम आपके लिए, आप आराम से इसको खाइए और बैठिए, मैं पानी की बोतल लाना भूल गई हूँ, मैं वो लेकर आती हूँ।
बाबूजी आप आगे चलिए, हम पानी की बॉटल लेके आते। अब होगा हमारा प्लान कामयाब। बिहान, माँ और बाबूजी पहली बार इसी ज़ू में मिले थे ना? और वो भी सॉफ्टी खाते हो, इसलिए हमारा पूरा परिवार जब भी यहाँ आता है तो माँ और बाबूजी सॉफ्टी जरूर खाते। तो फिर ठीक है, आज भी वैसा ही होगा। फिर देखना दोनों के बीच की कड़वाहट कैसे दूर हो जाती है। देखो बाबूजी माँ की तरफ यार। बाबूजी का फोन भी आना था। और देखो बिहान, माँ ने भी अपनी दोनों सॉफ्टी उन बच्चों को दे दी। अब क्या करेंगे हम? हम क्या करेंगे? चलो सब कुछ फिर से शुरू से शुरू करते। चलो आ। बिहान, अभी तो मैं यहीं थी और बाबूजी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी जल्दी दोनों कहाँ जा सकते हैं? वही तो बता नहीं, दोनों इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। एक काम करो, तुम वहां ढूंढो, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है। अरे छुट्टी क्या कर रही है? अंदर कोई होगा तो बाहर आएगा ना, अंदर कोई भी नहीं। ओके बड़की है। अरे इतना बड़ा पिंजरा ऐसे ही थोड़ी बनाया है, कोई ना कोई जरूर होगा। बुला, तुम भी बुला। आओ, बुला बुला बुला। ओके। अरे एक मिनट भाभी, क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए आप लोग। आप लोगों को पता भी अंदर कौन सा जानवर है? और ऐसे पत्थर मारना कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए भी और उसके लिए भी। जानवर देखने के लिए तो हमने टिकट लिए, जानवर तो देखेंगे। बारा, आ। भाई साहब एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है आप इस तरह से उसे चोट पहुंचाएंगे। अरे वो भी हमारी तरह सब कुछ महसूस कर सकते हैं, इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते हम जानवरों के साथ। लेकिन जानवर तो देखेंगे ना। अरे बुला देना। मारिए मत उसको।
नहीं मैडम, जब से इसके साथ रहने वाली मादा गोरिल्ला को दूसरी जगह शिफ्ट किया है तब से सच में पागल हो गया है। देखिए कैसे गुस्से में बॉडी खराब कर दिया इसने, ये बहुत खतरनाक हो गया है, कुछ भी कर सकता है। चलिए आप लोग निकलिए यहां से, प्लीज जाइए। प्लीज डोंट। अब बनेगी बात। जब से बिहान ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूं। पर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी पत्नी से मिस्टर बिहान पांडे। अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी, फिर जितना गर्म होना है, जितनी गर्मी दिखानी है ना दिखा लेना। गोरिल्ला, ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। हाँ, मैं ये तोड़ूंगी ताकि तुम बाहर आ सको और मेरा काम कर सको, इसलिए गुस्सा नहीं। ये गुस्सा किसी और के लिए बचा के रखना। दूर रहो मुझसे, प्लीज दूर रहो, ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। अब थपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है। ऑल द बेस्ट। ओहो, पागल हो गया है क्या? अभी मुझे गिरा देता। दादी माँ माफ करना, वो हम बाबूजी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रहे। अरे हाँ, बल्लू को तो मैं भी देख रही हूँ कहाँ चला गया। मुझे ना वो पॉपकॉर्न खाने हैं। दादी माँ वो तो हम ले आएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम लेकर आते हैं, आप एक काम कीजिए, आप बाजू को ठीक है। अच्छा अरे भाई हम यहाँ हैं। अरे कहाँ चला गया था तू, कब से ढूंढ रही हूँ मैं भी तुझे। अरे माँ हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है कि खो जाएंगे, सबसे छोटी तो थपकी है, उसका ख्याल रखिए। ध्यान कहाँ है थपकी? वो बाबूजी थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ ही थी, अभी पता नहीं कहा है। अरे तू जा पहले उसे देख, भूल भुलैया जैसा इतना बड़ा चिड़ियाघर है। पॉपकॉर्न हम ले आते हैं, साथ बैठ के खाएंगे, थपकी को भी बहुत पसंद है पॉपकॉर्न। आइए माँ। पता नहीं कहाँ से ला गया बिहान, अब मैं कहाँ ढूंढती फिर उसको। थपकी, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? वो तुमने बिहान को देखा कहीं? बिहान को नहीं, मैंने तो नहीं देखा। एक काम करो ना, उसे कॉल कर लो। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरा फोन यहीं रखा था मैंने, कहाँ गया? तुम्हारा फोन कहाँ गया? आप, अरे तुम वो गोरिल्ला के केज के पास तो नहीं छोड़ा है? जाके एक बार चेक तो कर लो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं वहां से निकली थी तब मेरे हाथ में था फोन। अच्छा तो एक काम करो, पहले यहाँ चेक कर लो, अगर यहाँ नहीं मिलता तो वहां जाके एक बार चेक कर लेना, शायद वहीं पर हो। हाँ मैं भी ढूंढती हूँ कि कहाँ गया तुम्हारा फोन।
तो कहीं नहीं है, वहीं जाके देखते हैं। मैंने अपना काम तो कर दिया, अब थपकी यहाँ पर आएगी और बाकी का काम आप करेंगे गोरिल्ला आप। मेरा ये फोन तो वहां क्यों गई थी उसके पास? अरे वो मेरे फोन अरे ओ गोरिल्ला भाई साहब बहुत ही गरम खोपड़ी के लगते हो, एक तो फोन तोड़ दिया ऊपर से दांत दिखा रहे हो, जानते हो ये कौन है? मिसेस थपकी बिहान पांडे, मतलब हमारी धर्म पत्नी, तो इनसे जरा दूरी रहना वरना हमारी खोपड़ी भी कुछ कम गरम नहीं है। बिहान तुम पीछे रहो। चलो तुपकी। ये गोरिल्ला की पजामा इडियट बिहान फिर से थपकी को बचा लिया, और ये गोरिल्ला ये तो सुपर इडियट, करना धरना कुछ आता नहीं है, बस हाथ दिखा के ये करता रहता है। देखो हिप्पोपोटामस हमें कैसे देख रहे हैं। लेकिन इन्हें अपना नाम थोड़ा सरल वाला रखना चाहिए, ये हिप्पट पट पोटो हिप्पट जो भी है उसे तो बोलने में ही 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है तुम सिर्फ हिप्पो बोलो चलेगा। हिप्पो कितना सुंदर लग रहा है ना। सुंदर हाँ लग तो रहा है, और खास करके वो मिसेज हिप्पो बिल्कुल तुम्हारी, देखो तुम्हें देख के मुस्कुरा भी रही है। एक मिनट, मेरी तरह मतलब मैं क्या उसके जितनी मोटी हूँ? नहीं नहीं हमारे कहने का मतलब है कि वो देखो ना वो किकल कितनी भोली दिख रही है तुम्हारी तरह, और उसका रंग भी तो क्या मेरा रंग उतना काला है? नहीं 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 थपकी हमारा मतलब कि देखो उसकी आंखें कितनी सुंदर है। मेरी आंखें उतनी बड़ी बड़ी है ये कहना चाहते हो? नहीं मतलब उसके होंठ कितने नहीं होंठ नहीं नहीं वो हम कह रहे हैं कि अरे नहीं यार कुछ नहीं माफ करो हमें, तुम बिल्कुल मिसेज हिप्पो जैसे नहीं लगती, हम मिस्टर हिप्पो जैसे लगते हैं बस। हाँ वो तो है,
देखा तब की भगवान ने अपने आप माँ और बाबूजी को मिला दी। आपने हमारी ऐसी मदद कर दी। इसको तुम्हारा फोन तोड़ना माँ। वाह, सही तरीका ढूंढा आप हम सबकी जिंदगी में वापस आने का। एक और धोखा यो इस तरह यहां ये बेचारी बन के। यूं बाऊजी के साथ टकराना और उनसे गले लगना सिर्फ हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए वापस, और कितना धोखा देंगी आप? नहीं ध्रुव, एक बार तो आपकी चाल कामयाब हो गई लेकिन अब आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि हम सब आपका असली चेहरा देख चुके हैं। और कोई भी आपको माफ नहीं करेगा और ना ही कोई आप पर विश्वास करेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और ना ही आपके साथ कभी कोई रिश्ता जोड़ूंगा। ध्रुव से देखिए मां की कोई भी गलती नहीं है, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया था। मैंने बुलाया था माँ को ताकि माँ बाऊजी से और हम सब से मिले। इन्हें सच में कुछ नहीं पता। चुप कर, ये सब कुछ इसी का किया धरा है, इसीलिए बहकाया होगा तुझे ये सब करने के लिए। बल्लू, ये तो इसके बहकावे में आ गई है, पर तू मत आना, फिर से धोखा मत खाना। दादी माँ, ये आप क्या कह रही? थपकी बिल्कुल ठीक कह रही, माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। माँ आप बताइए इनको कि ये सब जो भी बोल रहे हैं सब गलत है। माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माफी मांगने के सिवा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। मम्मी जी चलो, बेकार में आपको इतना कुछ सुनना पड़ गया। चलिए मम्मी जी। माँ, हो गया आप चले। पहले से माँ इतना सब कुछ अब और ये सब क्या करने आए थे और क्या हो गया? जी हाँ, नोएडा के चिड़ियाघर से एक खतरनाक गोरिल्ला भाग गया है। जिसे भी ये गोरिल्ला दिखाई दे वो फौरन ही चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सूचित करे। और ध्यान रखिए, गोरिल्ला के सामने चिल्लाने या उसे छेड़ने पर वो और भी खतरनाक हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो वही गोरिल्ला है। चुटकी, तू काहे के लिए इतना डर रही है? कितना भी खतरनाक गोरिल्ला क्यों ना हो, कौन सा वो सीधा हमारे घर हमारे पांडे निवास में आ जाएगा। क्या डरा है तुम दोनों भी? यू डरपोक चुटकी, वैसे तो बढ़िया कर दिखा रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, तो अब क्या हुआ?
अरे प्रीति भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा था डर के बारे हालत खराब हो जाएगी इसकी। अरे इसका चेहरा तो देखो। तुम दोनों भी नाटक नौटंकी में शामिल हो हा? और तुम बड़की, वो जो चिड़ियाघर से ना वो गोरिल्ला जो फरार हुआ है ना, अभी देखना सीधा तुम्हारे पास ही आएगा। तुम देखना तुम्हारी कैसे एकदम ऐसे बिस्ती बिस्ती करके पुंगी बजेगी। हटो यहाँ से। अरे अरे सुनो तो। अरे अरे जो रहो तुम, बात मत करो हमसे। क्या शोर मचा रखा भाई, ये घर को चिड़ियाघर बनाना है क्या? और तुम दोनों, अरे गैस सिलेंडर आया था तो उसे रसोई घर में रखवाना था ना, हॉल में क्यों छोड़ दिया? जाओ रखो अभी। बाबूजी हम लोग बहुत थक गए ना, नींद भी बहुत आ रही है, तो कल सुबह पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ कल सुबह रख देते हैं। और आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? कितनी रात हो गई बाबूजी, चलिए चलिए चलकर सो जाते हैं। हाँ, आप भी थक गए होंगे ना, चल सो जाइए बाबूजी। चलिए आइए। बार माँ का ही चला याद आ रहा है, पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब माँ घर में वापस आएगी। बेहान बहुत जल्दी, पर बेहान हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारी कोशिश एक बार नाकाम हो गई तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा सुनो, प्लीज इतना मत सोचो, मैं बेड लगा देती हूँ, जो भी सोचना है कल सुबह उठकर सोचेंगे, अभी सो जाते हैं। हम पानी लेकर आते हैं। हम कहाँ डराने चली थी बड़की, हाँ हम कहाँ डराने चली थी, भगवान करे ना ये बड़की के सामने सचमुच का गोरिल्ला आ जाए, तब पता चलेगा ये का। हाँ नहीं तो। अरे बड़की फिर से आ गए तुम हमको डराने के लिए, पर हम ना अब तुमसे डरने वाले नहीं है, अब तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। ए हूँ मत करो, चुप रहो, अब जाके ना किसी और को बकरा बनाओ, समझी कि नहीं। अच्छा बड़की सुनो ना, अब ध्यान से रहना, कहीं पता चला तुम्हारे सामने सच का गोरिल्ला ना आ जाए, बुड़बक कहीं की। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई? बिहान तुम इतनी जल्दी आ भी गए या गए ही नहीं? अच्छा अंदर आ जाओ, जो भी है लाइट से बात है तब ले आना। बिहान बिहान ज्यादा मत सोचो, मैंने कहा ना हम माँ को वापस घर ले आएंगे, चिंता मत करो, यहाँ आके बैठो, आओ आओ चलो। बिहान बिहान चलो चलो बैठो। बिहान क्या हुआ, आप बैठ क्यों नहीं रहे हो, और ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, हाँ इतने रफ रफ क्यों लग रहे हैं हाथ? रुक जाओ, मत करो प्लीज।
इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना था। लगता है चुटकी अभी तक डर कर यहाँ पे खड़ी है। दादा रे दादा, इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए तुमने गोरीली? लगता है बड़की तुमका ना कोनो और मिला नहीं बकरा बनाने का, है ना? गोरीली बकरा है? मतलब भी बड़की ये नाटक नौटंकी बंद करो। अभी तुम हमका बाहर मिली नहीं थी पूरी की पूरी गोली बन के, अब यहाँ नाटक दिखा रही हो? गोरीली बन के और मैं? हाँ बड़की तुम। छुटकी, are you out of your mind? हाँ, मैं डायरेक्टली अपने रूम से यहाँ पे आई हूँ, मैं कब मिली तुम्हें बाहर? हाँ, और वो भी गोरीली बन के। हाँ बड़की, तुम सच कह रही हो? अभी तुम हमको बाहर नहीं मिली थी गोरीली बन के, फिर वो बाहर गोरीला कौन मिला था हमका? मैं नहीं जा रही हूँ बाहर। हाँ इसका मतलब ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। अरे वो गोरिल्ला जी, आपके हाथ में तो चोट लगी है, दिखाइए। एक मिनट रुकिए। मेरी नकल कर रहे हो? क्या करूं, तुम्हारे सर में से जुए निकालूं? हे भगवान जी, छी निकालती हूँ।
कराने के लिए नहीं आई थी तो फिर कौन आया था? कहीं थपकी तो नहीं आई थी हमको डराने के लिए? ओएमजी छुटकी, लगता है तेरा माइंड भी ना बिल्कुल मेरे माइंड जैसा हो गया। अरे थपकी से स्टूपिड वाली हरकतें कैसे करेगी यू डंबो? बात तो सही है बड़की, पर हम सच कह रहे हैं, गोरिल्ला था, सच में था। हमने ना खुद उनके साथ बात की है। सुनो ना, एक बार चल के ना थपकी के कमरे में देखते हैं ना। हाँ, अरे छुटकी, तूने ना कोई औसम वाला ड्रीम देखा होगा, गोरिल्ला नहीं, अंडरस्टैंड? अरे था बोल रहे ना, चलो ना एक बार उसको देखते हैं। चलो तो आओ अरे कमरे में, आओ ना इधर आओ। अरे बाबूजी, ये तो वही गोरिल्ला जिसको हमने चिड़ियाघर में देखा था। अब क्या करें, बहुत खतरनाक है। ध्यान, तुम सबकी को संभालो, मैं चिड़ियाघर के लोगों को फोन करके आता हूँ। जल्दी करिए, अब बैठो। गोरिल्ला, यू शूट, शूट, शूट। अरे बेबी, ये डॉगी नहीं है, ये तो गोरिल्ला है। इसको इसको जोर से हटाना पड़ता है। आपकी दूर आ रहा था आपके। अरे थपकी, तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? थपकी सही कह रही है, हमने भी ना समाचार में देखा था। ऐसे ना शोर शराबे से नहीं गोरिल्ला और भी गुस्सा हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। हम सब नीचे चलते हैं, नहीं तो ना बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब कुछ भी कर सकते हैं, चलो 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 और गुस्से में आ जाएगा। मैं इतना कैसे भी करके ट्राई करके बाहर आती हूँ। लेकिन थपकी, ध्यान प्लीज। ठीक है थपकी, थपकी हम यही छुपे हुए, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करें तो हमें आवाज दे देना। कितना धोखा देंगी आप? मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको आपको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही आपके साथ कभी कोई रिश्ता जोड़ूंगा।
मम्मी जी आप ऐसे फिर से वही सब बातें सोच रही हैं क्या? मत सोचिए, ऐसे तो आप अपने आप को और दुख देती रहेंगी। मुझे लगता है कि आप बहुत थक गई हैं, आपको सो जाना चाहिए। और वैसे भी कल कितना इम्पोर्टेंट डे है, डैड के बॉस जो आ रहे हैं। आपको पता है मम्मी जी, मेरे डैड के पीछे ही पड़े रहते हैं वो कि कब उनको ऑफिस से निकालें। अब किसी भी तरह उन्हें कल इम्प्रेस करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब वो आएंगे तो हमें उनकी ऐसी खातिरदारी करनी है कि वो यहाँ से खुशी खुशी जाएं। चलिए बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाइए। ओके कर और अच्छे से आराम कर, क्योंकि कल का पूरा काम मैं तुझसे करवाने वाली हूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.